दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं कि मर्चेंट ने भी जो लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इंग्लिश के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि सर मेरी इंग्लिश जो है वीक है, हम लोग हरियाणा बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, तो हम लोग की जो इंग्लिश है वो बहुत ही वीक है, तो क्या हम लोग को मर्चेंट ने भी ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए तो हम लोग को कौन सा कोर्स बेटर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसी पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मर्चेंट नेवी में इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मर्चेंट नेवी में इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो भी स्टडी होगी वो सब इंग्लिश मीडियम में होगी, यानी टोटल आप एवरीथिंग आप इंग्लिश मीडियम में ही जानेंगे। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया कि जो लड़के इंग्लिश में अपना प्रॉपर स्टडी किए हुए हैं वो मर्चेंट नेवी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब उन लड़कों की मैं बात करता हूँ कि जो लड़के इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। थोड़ी वीक का मतलब क्या होता है कि वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं बिहार बोर्ड से था तो मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक थी, लेकिन मैं छपरा आकर अपना सिटी में आकर मैंने स्पोकन क्लास 6 महीने का कर लिया और मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप लोग स्पोकन क्लास 2-3 महीना या कम से कम 6 महीना ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मर्चेंट नेवी में आने के बाद आपको पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, हिंदी की कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो ये बात हो गई। अब बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो हमें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो कोर्स में मर्चेंट नेवी में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आपने अगर 10th किया है तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जीपी रेटिंग कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप जीपी रेटिंग कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश में पढ़ाई कर लूँगा, तो अगर आप डीएनएस कर सकते हैं। लेकिन डीएनएस में करने के बाद 1 साल की कोर्स होगी, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो फिर आपको जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर बैक लग जाएगा तो फिर आपकी जो 5-6 लाख रुपए है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही जीपी रेटिंग करते हैं, मैंने खुद अपने बैच में बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा था कि जिनको इंग्लिश प्रॉपर ढंग से पढ़ने नहीं आती थी, इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ठीक है, तो जीपी रेटिंग अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप आसानी से जीपी रेटिंग कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे एजेंट ये भी बोलते हैं कि नहीं जीपी रेटिंग में तुम 2 लाख रुपए क्यों लगाओगे और फिर एजेंट को देकर 2-4 लाख रुपए तुम्हारा इन्वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा है कि तुम लोग 20,000 रुपये या 15,000 रुपये या 12,000 रुपये का STCW कोर्स कर लो 10 दिन का और उसके बाद हम मैं तुमको सिप पर 2 लाख रुपये लेके भेज दूंगा, यानी तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपये की बचत हो जाएगी। लेकिन STCW करने की मैं आपको बिल्कुल ही राय नहीं दूंगा, क्योंकि STCW में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं मिलता है, सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज 10 दिन का मिलता है। उसमें जाकर आप बढ़िया से सिप पर काम नहीं कर पाइएगा और आपका करियर ब्राइट नहीं होगा। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम जीपी रेटिंग करके ही जाइए। अगर आपके पास पैसा है, आप पढ़ने में तेज हैं तो आप DNS कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, मीडियम साइज की आपकी इंग्लिश है, तो आप जीपी रेटिंग आपके लिए बेस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये आप लोग जितना क्वेश्चन पूछे होंगे उसमें मैंने इंग्लिश से रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।